स्पोर्ट्समैन को हाई ही वो स्पोर्ट देती है, उसको किक स्पोर्ट्स खेलने से मिलता है, तो उसको ये खौफ होता है कि अगर मैं इस घुटने को लेके बैठ गया या मैं कंधे को लेके बैठ गया तो मेरा करियर या मेरा जो एक हॉबी है वो मुझसे छिन ना जाए। तो पहले तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि वो कौन सी स्पोर्ट्स इंजरीज हैं जो बहुत कॉमनली आप ट्रीट करते हैं, आप देखते हैं आमतौर पर। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरीज जो हैं वो किसी भी जॉइंट में हो सकती हैं, डिपेंड कि किस टाइप का स्पोर्ट्स उस कंट्री में या उस रीजन में खेला जा रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स ज़्यादा खेला जाता है वो क्रिकेट है, हर गली मोहल्ले में हो रही है। तो इससे हमारे कंधा ठीक है, तो उसमें हमारी नीस और हमारे कंधे ठीक है, क्योंकि उसमें थ्रो कर रहे हैं, नीस भाग रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये दो कॉमन एरियाज हैं जो कि पाकिस्तान में ज़्यादा देखने में आते हैं। उसके अलावा एंकल ट्विस्ट हो गया, एंकल की इंजरी है तो वो भी देखने में आती है। एल्बो इंजरीज खासतौर पे जो लोग स्क्वाश या टेनिस खेल रहे हैं उन लोगों को भी देखने में आती है। रिस्ट की इंजरीज आपको थ्रो बॉल में या इस तरह के बॉक्सर्स में आपको देखने में मिलती है। तो डिपेंड करता है कि कौन से स्पोर्ट खेल रहे हैं। पास क्या इंजरीज होते हैं फुटबॉलर्स की? फुटबॉलर्स तो नी तो बहुत कॉमन है, फुटबॉलर की इंजरीज में। अच्छा, अगर हम स्पोर्ट इंजरी की बात करें सो अगर हम हर जोड़ को बात करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इट्स गोना बी अ वेरी लॉन्ग, दो तीन घंटे का शो हो जाएगा। बहुत आराम से तो हम एक सेगमेंट लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें पहले सेगमेंट में कि नी की स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, ठीक है, और यंग प्रोफेशनल्स में या यंग एमेच्योर्स में अगर उस तरह की इंजरी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए एज ए फर्स्ट एड, और अगर वो नहीं ठीक हो रही है तो फिर उसको क्या करना चाहिए और उस तरह की चीज़ें। तो अगर मैं ये नी का मॉडल सब आपके नाज़रीन के लिए जो है वो अगर दिखाऊं, तो नी में हम पिछली दफ़ा जब मैं आपके साथ प्रोग्राम में आया था हमने नी आर्थराइटिस की बात की थी, हमने कहा था कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, ओल्ड एज बीमारी है, तो यंग पेशेंट्स में भी कार्टिलेज डैमेज हो सकता है। वो कैसे? देखिए, अलमिया की बायोमैकेनिक्स बड़ी कमाल की है, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पे मौजूद होना और उसका फंक्शन करना, ये वो बायोमैकेनिक्स है जिसको आज तक कोई भी इंसान ना मैच कर सकता है ना कर सकेगा। अगर हम उसकी बात करें नी स्टेबिलिटी की, तो अलमिया ने घुटने के सामने आगे और पीछे कुछ ऐसी रस्सियां लगाई हुई हैं जो कि घुटने को अपनी जगह पे सीधा मजबूत खड़ा रखती हैं, ठीक है। अब उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं नी कैप, ठीक है, ये नी कैप है, इसके ऊपर एक रस्सी है और उसके नीचे एक रस्सी है और इस रस्सी में ही ये हड्डी है, ठीक है, जिसको हम कटोरी कहते हैं। अगर मैं चलते फिरते या कोई ट्विस्ट करने में या इन ट्रॉमा में स्पोर्ट्स इंजरी में ये मेरी रस्सी टूट जाए, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया, राइट, ये मैंने तोड़ दी रस्सी, तो मैं टांग को सीधा हवा में नहीं उठा सकता, ओह माय गॉड, राइट, ये मेरी इंजरी है। ये तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता टूटती है, ये आहिस्ता मतलब हो सकता है कि हल्की सी टूटी हो, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने कहा जी ठीक हो गई, मैं खेल रहा हूँ, मैंने नी सपोर्ट पहन ली, मैं खेल रहा हूँ, और फिर एक और इंजरी आई और ये पूरी टूट गई। जब ये पूरी टूट गई तो आप खड़े भी नहीं हो सकते, आपको शदीद दर्द है, आपकी जगह में जो है सूजन बहुत ज़्यादा है, तो यस, और फिर अगर आपने इसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ तो आप जो है वो फॉर द रेस्ट ऑफ ईयर ऑफ योर लाइफ आप डिसेबल हो गए, क्योंकि चलने फिरने में माजूरी होगी। अच्छा, अब चलने फिरने में माजूरी की अगर हम बात करें, हम दूसरी इसी प्लेन में अगर हम सामने से देख रहे हैं तो मैं ये कटोरी को सामने से हटा देता हूँ, ये अगर मैं घुटने को खोलूँ सामने से तो आपको अंदर भी एक रस्सी नजर आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है, ठीक है, इसको हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म ACL है। बहुत सारे लोगों को पता है जी ACL, एक जो स्पोर्ट्स खेलते हैं कि ACL की इंजरी हो सकती है, ठीक है। अब अगर ये रस्सी टूट गई ट्विस्ट करने में, अमूमन फुटबॉल खेलते वक्त आपने किक मारी, ठीक है, आपकी वो किक, आपका जो राइट से अगर आप किक मार रहे हैं, लेफ्ट फुट आपका ग्राउंड में लॉक हो गया एंकल, आपने राइट से किक मारी
उसकी ट्विस्ट इतनी ज्यादा थी नी की, क्योंकि आपका लेफ्ट नी जो है वो लॉक हुआ हुआ है, कि उसने इसको अमूमन अंदर की तरफ जो है यहां से यह रस्सी टूट जाती है, ठीक है। अब इस रस्सी का काम यह है कि इसने रान और पैर की हड्डी को एक जगह पे रखना है। अगर ये नहीं होगी तो आपकी ये स्लाइडिंग मूवमेंट, आपकी ये रस ऐसे आगे चलेगी चलते हुए। अगर ये ऐसे आगे चलेगी तो ये फ्रिक्शन क्रिएट करेगी आपकी चिकनी हड्डी और कुरकुरी हड्डी के दरमियान, तो उससे आपकी चिकनी हड्डी खराब होगी, राइट, ठीक है। तो इसको अगर इस तरह की इंजरी हो जाए तो पहले जो है वो ये होता था कि एक ही हल था इसका, कि हम इस रस्सी को नई रस्सी लेके और नई रस्सी डाल दें इसमें और उसको जोड़ दें। अब कुछ इस तरह के भी तरीके आ गए कि यही रस्सी को अगर एक्यूट फेज में 3 से 4 हफ्ते के अंदर अंदर वो पेशेंट मेरे पास आ जाता है तो मैं इसी रस्सी को वापस भी जोड़ सकता हूँ। छोटी सी सर्जरी उर्फे आम में इसको लेजर सर्जरी कहते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्थोस्कोपिक सर्जरी जो कि की होल सर्जरी होती है, उसमें आपने छोटे छोटे घुटने के सामने साइडों पे सुराख किए, इससे आपने कैमरा डाला और कैमरा डाल के आपने अंदर से इसको सफाई करके और इसको रिपेयर कर दिया या इसको नया बना दिया, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर मैं घुटने को पीछे से दिखाऊं तो एक रस्सी आगे है तो एक रस्सी पीछे भी है, ठीक है, एक रस्सी ये पीछे भी है। इसको हम PCL कहते हैं जो कि पोस्टीरियर क्रूशेट लिगामेंट है। अगर आपकी इंजरी की नौयत शिद्दत ज्यादा है तो आप ना सिर्फ सामने की बल्कि पीछे की रस्सी भी तोड़ देते हैं, वो फिर मल्टी लिगामेंट इंजरी में आ जाती है कि एक से ज्यादा रस्सियां टूट गई हैं, ठीक है। अगर वो एक से ज्यादा रस्सियां टूट गई हैं तो फिर आपका घुटना नीचे से ऊपर तक ऐसे चलता रहेगा, बिल्कुल लूज है। ओह माय गॉड, ठीक है। अब ये भी आपके साथ हो सकता है। उसके अलावा अल्लाह मियां ने साइडों पे भी रस्सियां दे दी, ये कोलैटरल लिगामेंट्स कहलाते हैं। एक बाहर की तरफ होती है और एक अंदर की तरफ होती है, ठीक है, ठीक है। ट्विस्ट में अमूमन अगर आप देखें तो लोग शिकायत करते हैं जब ट्विस्ट होती है तो उनके घुटने के अंदर की तरफ ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि ये रस्सी खिंच जाती है जो कि मोस्ट कॉमन है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है और उसको रेस्ट देना पड़ता है। याद रखिए कि जो घुटने, अगर आप हड्डी टूट जाती है ना आपकी, तो हड्डी तो 4-6 हफ्ते में जुड़ जाती है, ठीक है। अगर आपको लिगामेंट की इंजरी होती है ना तो इसको 2 से 2.5 महीने लगते हैं रिकवर होने में, तो उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको बिल्कुल रेस्ट देना। एज सून एज वो, इसको हम कहते हैं राइस प्रोटोकॉल, ठीक है, कि आपने रेस्ट देना है, इसकी आइस करनी है, इस पे कंप्रेशन स्टॉक या सॉक्स इसको हम कहते हैं, नी ब्रेस या नी सपोर्ट, बहुत सारे नाम है इसके, कि आपने जो है वो उस तरह की कोई चीज उस पर पहन लेनी है। अच्छा, जो चीज़ आपने पहनी है मेक श्योर कि वो उसकी ग्रिप जो है वो फर्म हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो ब्लड फ्लो को रोकेगा, उसकी वजह से पेन स्वेलिंग बढ़ेगा, तो उसकी ग्रिप लूज होगी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो उसकी जो ग्रिप है वो फर्म होनी चाहिए। अगर वो फर्म ग्रिप होगी उस पर आप आइसिंग करेंगे, रेस्ट करेंगे, एलिवेट रखेंगे और साथ एंटी इंफ्लेमेटरी लेंगे तो आपको दर्द में भी जल्दी आराम आएगा, रिकवरी में भी होगा और आपको फौरी तौर पे स्पोर्ट्स सर्जन या एटलीस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए ताकि वो ये असेस करे। अब ये भी हो सकता है कि इसका स्ट्रेच इतना हुआ कि ये टूट ही गया तो फिर सर्जरी की, तो फिर सर्जरी की भी ज़रूरत है। अच्छा, अभी जैसे हमने बात की ट्विस्टिंग इंजरी की, तो जब अगर आप ये ट्विस्ट करते हैं तो हमने पिछली दफा याद होगा हमने बीच में अपने नाज़रीन को बताया था कि ये कुरकुरी हड्डी होती है जिसको हम मेनिस्कस कहते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, राइट। तो ये शॉक एब्जॉर्बर भी टूट सकते हैं। अगर ये शॉक एब्जॉर्बर टूट गए, किस दर्जे का टूटा हुआ है, उससे क्या होगा कि घुटना ये अपनी जगह से स्लिप होके अंदर आ जाएगा जोड़ के अंदर, तो ये घुटना आपका लॉक हो जाएगा, फंस जाएगा, हिलेगा ही नहीं, फिर हिलेगा ही नहीं, वो हिलाएंगे तो दर्द की चीखें मारे होंगे,
उसको जो है वो जब इतना शदीद दर्द हो रहा होगा तो आपने उसको जो है वो वहाँ पर उसको काबू में करना है, उसका इलाज करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे एथलीट्स, पोटेंशियल प्रोफेशनल प्लेयर्स या जिनका प्रोफेशनल कैरियर स्टार्ट हुआ है, या वो लोग जो जिम जाते हैं बहुत रेगुलर, उनके साथ भी हो सकता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली जिम में तो दो चार चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी भी जिम को ज्वाइन करते हैं तो हर जिम में उनका एक अपना ट्रेनर होता है। कोई भी स्पोर्ट्स मैविश सस्ती स्पोर्ट नहीं है। आप किस जो भी खेल रहे होते हैं उसमें आपके पैसे भी खर्च हो रहा होता है, टाइम भी लग रहा होता है, आपकी मेहनत भी लग रही होती है। तो यू हैव टू प्ले इट प्रॉपरली, खास तौर पे जिम, क्योंकि जिम में आप जब जाते हैं तो आपको ये लगता है हम जिम जाएंगे, ट्रेडमिल पे भाग लें, खुद से वजन उठा लें, ठीक है, ट्रेनर के पैसे बचा लें, ट्रेनर के पैसे बचा लें, आपको एंगल्स का वेट कैसे उठाना है, किस एंगल से उठाना है, आपको उसका आइडिया नहीं होता। आपके पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और आपने 40 किलो के वजन बार रख के उठा लिए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको इंजरीज होती है और बहुत ज़्यादा इंजरीज होती है। अगर आपको ट्रेनर प्रॉपर आप हायर कर लें, हर जिम प्रोवाइड कर रहा होता है, हर जिम के पास होता है, अगर आप उस ट्रेनर के साथ बात कर लें, उसको अपने साथ इंगेज कर लें, एटलीस्ट इनिशियली जब तक आप सीख ना लें, अगर आप वो जब चीज़ें सीख लें then you may probably not need to pay the trainer and you can continue doing it. So